अजरुल अलीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं टेंस की। टेंस कैसे पढ़े जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, उनका फॉर्मेट की। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन के बगल से एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएँ, इसलिए क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए आइए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इनके भी अपने अपने चार चार पार्ट्स होते हैं, फोर पार्ट्स। पहले उनमें से देखिए, पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसी फीचर्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसी फीचर्स के अंदर होते हैं फीचर्स इंडेफिनेट टेंस, फीचर्स कंटिन्यूस टेंस, फीचर परफेक्ट टेंस, फीचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, से ख़त्म होते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं पहले अफर्मेटिव की। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरे की बात करें हम नेगेटिव की। अब इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डज नॉट और डू नॉट, इसमें डज नॉट सिंगुलर के साथ लगता है और डू नॉट प्लूरल के साथ। और अफर्मेटिव की बात करें, इसमें डज और डू, डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसके अंदर इनके सेंटेंस के लास्ट में रा है, रही है, रहे हैं से समाप्त होते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। फिर नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिख दिए जाती है, इज एम हुई, आर हुई, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखे जाता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं, जैसे क्या है, राम ने खाना खाया है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, जिनके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यही है, ये हैं, ऐसे। अब इसके अंदर अफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप देख रहे होंगे हैज़ लगेगा और हैव। इसके अंदर आई हैव दे के साथ तो हैव लगता है, मतलब प्लूरल के साथ तो हैव लगता है और सिंगुलर के साथ लगता है हैज़।
फिर हम बात करते हैं नेगेटिव की। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव सिंगुलर या प्लूरल के साथ प्लस नॉट लग जाता है। इसमें नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने ऊपर बताया था, इंटरोगेटिव में होता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाती है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, रा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम जुड़ जाता है इसमें, जिस टाइम में हम हैं। जैसे हम बात करें अफर्मेटिव की, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ बीन लग जाता है इसमें, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन तो सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके अंदर प्लस आईएनजी लगता है, प्लस फॉर या सिंस। इसके अंदर आप देख रहे होंगे फॉर और सिंस। फॉर हमारा लगता है उस दर जिस जगह पे हमें एग्जिट टाइम मतलब सही समय बिल्कुल नहीं पता, और सिंस लगता है बिल्कुल सही समय हमें पता है, जैसे 5 o'clock, 1 एक दिन बाद, 2 दिन बाद, उस जगह पे लगता है हमारा सिंस। फिर आते हैं, फिर लगता है प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम और टाइम। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। ऐसी नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, इसके अंदर क्या होता है, हैज़ बीन की जगह हैज़ के बाद नॉट लग जाता है, हैज़ नॉट बीन, और ऐसी हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम। अब इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस करते हैं प्लस बीन, फिर लगता है हमारा बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट और या टाइम। अब हम बात करते हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनेट। इसके अंदर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट में लास्ट में जे ख़त्म होते हैं ता है, ती है, ते हैं से, ता है, सॉरी, जे ख़त्म होते हैं था, ही, थे से। अब इसके अंदर हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमने पीछे देखा था इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था। लेकिन पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अंदर जो होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। और नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, इसके अंदर डिड नॉट लग जाता है, उसके अंदर डज नॉट था और डू नॉट था, इसके अंदर डिड नॉट लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऐसी नेगेटिव में बात करें, इंटरोगेटिव में बात करें, तो डिड प्लस डिड लगता है प्लस मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है हमारी, फिर सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की। इसके लास्ट में जो ख़त्म होते हैं हमारे सेंटेंस, रा था, रही थी, रहे थे। इसके अंदर अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव की बात करें तो देखिए इसका सेंटेंस का तरीका है, पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इधर आप देख रहे होंगे कि वॉज और वर मतलब वॉज लगता है हमारा आई ही सी इट के साथ मतलब सिंगुलर के साथ, और वर लगता है हमारा वी यू दे फ्रॉम के साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं
नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा सेम वही होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। ऐसी इंटरोगेटिव की बात करें, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब तीसरे पास्ट परफेक्ट की बात करें हम, इसके अंदर क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे हमने पीछे देखा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे इसमें या था, यी थी, ये थे, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो आते ही हैं, और जैसे या था, यी थी, वैसे सेंटेंस होते हैं वो भी पास्ट परफेक्ट में आते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव की बात करें, प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस हेड के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जुड़ जाता है, हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव में जो वो होता है, हेड हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन उसमें आ जाता है, क्या जैसे क्या वाले क्वेश्चन सेंटेंस में, क्या उसने खाना खाया था, क्या वह खाना खा चुका था, जैसे। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे से शुरू होते हैं प्लस टाइम जुड़ जाता है। इसके अंदर अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होता है प्लस हैड बीन होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ जाता है प्लस टाइम होता है इसमें। और नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होता है प्लस हेड नॉट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेड के बाद नॉट लगता है, फिर बीन लगता है, हेड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको फॉर या सिंस किस बात पे लगता है, फॉर जो टाइम हमें एग्जिट नहीं पता, सिंस जो एग्जिट टाइम पता है हमें, और प्लस ऑब्जेक्ट और या टाइम। अफर्मेटिव में हम बताते हैं आपको ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम आता है। अब नेगेटिव की बात, इंटरोगेटिव की बात करें हम, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ जाता है प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम। अब हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनेट की, इसके अंदर क्या होता है, ये इनके एंड में सेंटेंस समाप्त होते हैं गा, गी, गे से। इसमें अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप देख रहे होंगे विल और शैल, विल तो कोई से भी सेंटेंस के लिए लग जाता है,